अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदा हूँ और अभी हम ग्रोसरी करके आए हैं, मैं और सिद्रा। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम स्टोर से क्या क्या लेकर आए हैं, और इनकी सम हम प्राइजेज भी बताने की कोशिश करेंगे। ये ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, और यहाँ ये भी इस्तेमाल होती है ज़्यादा। और ये मिक्स फ्रूट सैलड लेकर आई है सिद्रा। यहाँ पालक ये डब्बे में आई है और ये बिल्कुल तैयार है। ये हम जिस दिन बनाएंगे फिर आपको इसका भी व्लॉग शेयर करेंगे। इसके अलावा ये सोया सॉस है और ये है वाइट पेपर। ये है पास्ता के लिए चीज़ें लेकर आई हैं। ये जब हम पास्ता बनाएंगे तो इसका वीलॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये है चिली सॉस, ये मैं पालक ज़्यादा ले आई थी क्योंकि ये एटलीस्ट श्योर 2 दिन तो इस्तेमाल हो सकती है पकाने के बाद। ये प्याज है और ये कीवी है। कीवी यहाँ बहुत पाया जाता है और ये है भी ज़बरदस्त फल, यहाँ पर इस्तेमाल भी बहुत होता है। और ये है कैरेट, बाजरी। यहाँ रेड कैरेट नहीं मिलती, यही इस्तेमाल करते हैं सब। ये एग्स हैं, फ्रोजन चिप्स हैं। ये सिद्रा लेकर आई है अपने खाने पीने का सामान। ये है जी हमारी सारी ग्रोसरी जो हम करके आई हैं, लेकिन हम स्टोर का वीलॉग नहीं बना सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम जाएंगे ड्रिक पे तो फिर हम शेयर करेंगे। और अब हम पास्ता की तैयारी करने लगे हैं, तो जब हम पास्ता की तैयारी कर लेंगे तो फिर आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेंगे। उस वक्त के लिए थोड़ा वक्फा लेते हैं। कैसे हैं आप सब लोग। हम आज चाउमीन की रेसिपी करने लगे हैं। ये मैंने नूडल उबाली हैं, ये इटालियन पास्ता है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने पानी, खुले पानी में उबाल कर नमक और ऑयल के साथ ये रेडी कर लिए हैं। ये वेजीज सिद्रा ने काटी हैं, इसमें है शिमला गाजरें, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। ये मिक्स वेजिटेबल हैं जो कि ज़्यादा मिक्स हो गई हैं। इसके बाद ये है, इसको हमने मैरिनेट करके रखा है बोनलेस चिकन को। इसमें हमने डाला है सिरका, सोया सॉस, वाइट पेपर और ये डाल के हमने इसे मैरिनेट किया है। उसके बाद अब हम इसकी, इस मैरिनेट चिकन की बुनाई करेंगे। इसको हम थोड़े से, हम ये बोनलेस चिकन ऐड कर रहे हैं और इसका हम पानी पकाएंगे। सारी जो सॉसेज वगैरह हैं ये इसके अंदर ड्राई करेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। ये अब हम सब्जियां सौते करने लगे हैं। ज़रा सा ऑयल डाला है और ये सारी सब्जियां इसमें फ्राई होंगी। ये ज़्यादा हैं, हाफ हाफ करके कर लीजिए। कि ये मैंने थोड़ा सा ऑयल में लहसुन डाला है और अब ये मैं जो हमने पास्ता उसको हम डालने लगे हैं बॉयल पास्ता। उसके बाद ये जो हमने बोनलेस चिकन तैयार किया हुआ है उसको शामिल करते हैं। इसके बाद तो
इसको डालते हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल शामिल करके इसको कुछ देर के लिए दम पर रख देते हैं। ये हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट है और इसको आप केचप के साथ अपने टेस्ट के मुताबिक खा सकते हैं। ये देखिए हमारा चिकन चाउमीन तैयार है। मैंने इसे सीधा सर्व किया है और इसको आप केचप के साथ अपने टेस्ट के मुताबिक खा सकते हैं। इंजॉय। मिलते हैं अगले व्लॉग में।